आज विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों ने पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में भी लोगों ने पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेते हुए पौधारोपण और जल स्रोतों में स्वच्छता अभियान चलाया। बाराकोट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संगठन जिला अध्यक्ष मीना बोहरा ने नौनिहालों और ग्रामीणों को पर्यावरण बचाने की शपथ दिलाई और अधिक से अधिक पौधारोपण करने को कहा। विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही मैं ग्रामीण वासियों से निवेदन करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधों को लगाएं और अपने आसपास स्वच्छ और साफ सफाई बनाए रखें। धन्यवाद। वहीं ग्राम सभा चोड़ी में व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय के नेतृत्व में ग्रामीणों ने गाँव के जल स्रोतों में स्वच्छता अभियान चलाया तथा ग्रामीणों ने अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। विश्व पर्यावरण दिवस की सबसे पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आज के दिवस में हम सभी को यह संकल्प लेना है कि हम पर्यावरण को हर हाल में बचाएंगे और वृक्ष लगाएंगे, क्योंकि इन्हीं वृक्षों के सहारे हमारा जीवन है। और जैसा कि अभी कोरोना काल में आपने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी और सिलेंडरों के लिए मारामारी हुई, कई लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी, और ऐसा भविष्य में न हो इसलिए हमें सावधानी रखनी होगी। आइए मिलकर के सभी लोग वृक्ष लगाते हैं, अपने छोटे से बागवानी में आप वृक्ष लगाइए, और बड़े से बड़ा अगर आपको जंगल मिलता है तो जंगल में आप समूह के रूप में उसमें वृक्षारोपण करें। इसके अलावा पीजी कॉलेज लोहाघाट में एबीवीपी और छात्र संघ के बैनर तले छुट्टी के दिन भी छात्र छात्राओं ने पौधारोपण करते हुए उनके बराबर देखभाल करने की शपथ भी ली। लोगों ने कहा कि पेड़ पौधे और पर्यावरण मनुष्य जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है, इसका उदाहरण लोगों को कोरोना काल में दिख चुका है। उन्होंने कहा, आज आबादी बढ़ने के साथ साथ शहर के कंक्रीट के जंगल भी बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्यों को कंक्रीट के जंगलों की नहीं बल्कि पेड़ पौधों के जंगलों की जरूरत है, ताकि मनुष्य जीवन के साथ साथ वन्य जीवों का भी जीवन गुजर बसर हो सके और पर्वतराज हिमालय में हम सब सुरक्षित रह पाए। दिवस 5 जून के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लोहागढ़ इकाई एवं समस्त छात्र संघ के पदाधिकारियों द्वारा आज जो हमारा लक्ष्य था अधिक से ज़्यादा पेड़ लगाने का, हमने कम से कम अपने महाविद्यालय को हरा भरा करने के लिए हम लोगों ने कम से कम 70-80 वृक्ष लगाए महाविद्यालय में, जिसमें एनसीसी के कैडेट एवं समस्त पदाधिकारी छात्र संघ के पदाधिकारी। महाविद्यालय बंद होने के बावजूद भी अनेक छात्र छात्राओं ने पेड़ लगाए और अपनी प्रतिज्ञा ली कि जो हम पेड़ लगा रहे हैं उसका हम संरक्षण भी करें और उसको हम साल भर उसकी देखरेख करें, और ऐसे प्रोग्राम एक दिन का नहीं होना चाहिए, इसको हम समस्त साप्ताहिक प्रोग्राम या फिर महीने का प्रोग्राम होना चाहिए। यूपी न्यूज 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।